हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर कोई समीकरण दे रखा हो तो उसको ग्राफीय विधि से हम कैसे हल निकालते हैं। जैसे कि ये समीकरण दे रखा है दो, ठीक है, और आपको एक्स वाई का मान निकालना है, ठीक है, तो ग्राफीय विधि से हम कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। हालांकि कई बच्चे यहाँ पे कन्फ्यूज हो जाते हैं ग्राफीय विधि में, उसको क्या होता है कि जब मान निकालते हैं तो ग्राफ पे पुट करने नहीं आता, वो सारे के सारे जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में, ठीक है। और आपको पता है कि ये बोर्ड के एग्जाम में 5 नंबर का आता है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग नंबर का आता है, इस बात को ध्यान रखना। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए। और ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं मैंने एनसीईआरटी के बुक से लिया है, और यह क्वेश्चन हर बार, कई बार मतलब एक साल दो साल बीच करके, एक साल गैप करके आ जाता ही है, ठीक है। तो आप देख लीजिए, अगर ये आप सोल्व करना सीख जाएंगे तो कोई दूसरा भी अगर दे देना, संख्या बदल देना, तो आप कर लोगे, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पहला समीकरण है, दूसरा समीकरण है, कम से कम आपको इस समीकरण में एक्स वाई का दो कोऑर्डिनेट आपको ज्ञात करना पड़ेगा। इस समीकरण का भी दो कोऑर्डिनेट और इस समीकरण का भी दो कोऑर्डिनेट, ठीक है। इट मींस कि एक्स का मान भी आपको दो ज्ञात करना होगा, एक्स का मान दो वैल्यू, और वाई का मान भी दो वैल्यू ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है, एक्स का भी और वाई का भी, इस दोनों में, ठीक है। तो आइए हम निकालते हैं। चलो देखो, इसमें x का मान अपने मन से पुट करो, अगर अपने मन से जो भी पुट करोगे ना उसके अकॉर्डिंग y का मान निकल जाएगा, ओके। तो चलो मान लेते हैं कि यहाँ पे माना, कोऑर्डिनेट हम निकाल रहे हैं, ठीक है, माना x बराबर 3, ठीक है, चलो हम मान लिए x बराबर 3, अपने मन से कुछ भी निकालो, मानो ना यार, तो y का मान निकल ही जाएगा। हाँ, तो यहाँ जो समीकरण है वहाँ लिखेंगे x, तो हम यहाँ x लिखते हैं, तो x के जगह पे हम डायरेक्ट लिखते हैं 3, तो मैंने लिखा 3, प्लस है तो प्लस लिखिए, अब यहाँ 3y है तो 3y लिखिए, और उसके बाद बराबर 6 है तो 6 लिखिए, ठीक है। यहाँ से हल कीजिए, बहुत सिंपल है हल करना, तो यहाँ से हल करेंगे तो देखिए 3y है तो 3y लिखिए, और बराबर 6 है तो 6 लिखिए, ये प्लस का 3 पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 3, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3y, ओके, बराबर 6 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 3 तो ही बचेगा, इसलिए यहाँ पे y का वैल्यू हम निकालेंगे तो 3, और यहाँ पे 3 गुना में है तो पक्षांतर करेंगे तो बटा में, 3 एकम 3 कटेगा तो हमारे पास आ जाएगा 1, इट मीन्स y का मान जो आ गया 1। तो आप देख रहे हैं एक माना आया हमारे पास y का मान 1, कब, जब x का मान हम 3 रखे हैं तो y का मान आया 1, तो एक कोऑर्डिनेट हमारा निकल गया। अब दूसरा कोऑर्डिनेट निकालते हैं, चलो एक बार फिर से मानते हैं कि लिखते हैं यहाँ पे माना, ठीक है, माना, ओके, माना एक्स बराबर, अगर हम मान लें यहाँ पे 6, चलो हम 6 मान लेते हैं, तब वाई बराबर क्या होगा, ठीक है। तो अगर हम एक्स का मान हम मान ही लिए 6, तो देखो इस समीकरण में हम पुट कर लेते हैं, एक्स है तो एक्स लिखो, तो एक्स की जगह पे डायरेक्ट हम 6 लिखते हैं, हम 6 लिख दिए, प्लस 3y है तो 3y लिखिए, बराबर 6 है तो 6 लिखिए, ठीक है। अब यहाँ 3y है तो 3y लिखिए, ओके, और बराबर 6 है तो 6 लिखिए, 6 क्या प्लस का इधर आया तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे क्या, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर लिखेंगे 3y, ओके, तो बराबर यहाँ 6 में 6 गया तो 0, ठीक है, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास कि 0 है तो 0, 3 गुना में है तो बटा में जाएगा, पंक्षांतर करेंगे तो भाग देंगे तो क्या होगा हमारे पास, 0 होगा, ठीक है। आप ध्यान रखिए कि 0 में दुनिया की किसी भी संख्या से अगर भाग देते हैं ना तो उसका मान क्या आता है, 0 ही होता है, ठीक है। तो हमने लिखा 0, यानी y का मान जो आ गया यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 0, ठीक है, ये आ गया हमारे पास, राइट, कब, जब x का मान रखे 6 तो y का मान है 0, ठीक है। तो हमारे पास इस समीकरण का जो देख सकते हैं पहले समीकरण दो कोऑर्डिनेट निकल गया। आइए हम इस समीकरण का निकालते हैं, दूसरे समीकरण में आप देख सकते हैं 2x माइनस 3y बराबर 12 है ना, तो इसमें भी हम दो कोऑर्डिनेट निकालेंगे, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ पे, चलो मान लेते हैं कि माना, ठीक है, माना x बराबर, अगर हम यहाँ पे 3 मान लेते हैं, या फिर आप 6 मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, देखो तो अपने अकॉर्डिंग कुछ भी मानो यार, 0 मानो, कुछ भी मानो, ठीक है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, चलो मान लेते हैं y बराबर, ठीक है, माना y बराबर 0, कुछ भी, किसी का भी मान ले सकते हैं। तो 2x है तो 2x लिखिए, माइनस तो माइनस लिखिए, अब 3 है तो 3 लिखिए, और y की जगह पे गुना में 0 है तो 0 लिखिए, ठीक है, y की जगह पे 0 रखें,
बराबर में 12। ठीक है, देखिए तीन और जीरो का कहानी तो खत्म, क्योंकि गुना करेंगे तो इसका कहानी खत्म, पता साफ। तो हमारे पास बचेगा क्या, 2x बराबर 12। ठीक है, इसलिए हम लिखेंगे x और बराबर, डायरेक्ट में कर रहा हूँ, बराबर बटे यानी 12 बटे में 2 गुना में, तो आ जाएगा बटे में 2 छक्के 12 कट जाएगा। मैंने ये क्यों नहीं ऐसा प्रोसेस किया, क्योंकि तीन और जीरो में गुना करेंगे ना तो जीरो ही होगा, और जीरो को उधर भेजेंगे तो प्लस का होगा, तो उसका तो कोई वैल्यू ही नहीं है। ठीक है, तो x का मान 6 आ जाएगा। ओके, कब आया x का मान 6, जब हमने यहाँ पे लिखा। हाँ, लेकिन आप ध्यान दोगे कि यहाँ जो मैंने डायरेक्ट किया ये प्रोसेस गलत है। ठीक है, मैंने डायरेक्ट किया ये जो प्रोसेस गलत है, इसको गुना करना चाहिए, उधर भेजना चाहिए, मैंने ऐसे किया, आप समझ लेना। ठीक है, चलिए, तो ये y का मान जब हमने क्या रखा कि 0, तो x का मान 6 आ गया। ओके, चलिए अब यहाँ पे हम समझेंगे क्या कि यहाँ पे देख लो, अगर हम दूसरा कोऑर्डिनेट निकालते हैं कि माना, चलो मान लेते हैं कि माना, ओके, माना अगर हम x की वैल्यू रख लेते हैं x बराबर 3, तब क्या होगा। ठीक है, तो x का मान अगर हम 3 रखते हैं तो यहाँ पे आप देख लो y का मान क्या आएगा। ठीक है, तो ये समीकरण जो दिया है उसको लिखे 2 और गुने में x के जगह पे यहाँ पे मैंने 3 मान लिया, अपने मन से मानता है। ठीक है, कोई भी माइनस है तो माइनस, 3y है तो 3y बराबर में 12 है तो 12 लिख दीजिए। 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 और माइनस के 3y और बराबर में कितना हो जाएगा 12 है तो 12। ओके राइट, तो मैंने लिख दिया। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब देखिए बहुत आसान होता है बनाना, ये माइनस 3y है तो माइनस 3y लिखिए। ओके, और उसके बाद आप क्या कीजिए कि बराबर में 12 है तो 12 लिखिए, प्लस है तो माइनस का 6 हो जाएगा। ओके, इसलिए क्या हो जाएगा, y बराबर देखिए 12 में से 6 गया तो 6 और माइनस 3 गुना में है तो कहाँ रख देंगे, बटा में। ठीक है, तो बटा में रख देंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 है ना, कट गया, तो हमारे पास आ जाएगा y की वैल्यू माइनस का 2। राइट, आ गया। तो आपने देखा कि y की वैल्यू जो है माइनस का 2 कब, जब x बराबर 3 रखा तब। ठीक है, तो इन सभी का मान जो है हम पहले एक, अब ये जो मान निकल गया तो अब ग्राफ पे हम निकालेंगे कि भाई इसका आंसर क्या होगा, x का मान क्या होगा, y का मान क्या होगा। ठीक है, तो मैं आपको शुरू से समझा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ गौर से देखोगे तो आप गौर से देखिए कि x का मान कितना है, 3 है समीकरण एक में, तो मैंने यहाँ पे 2 डब्बा इस तरीके से बना लिया है कोऑर्डिनेट रखने के लिए। मानो कि ये समीकरण एक वाला है, ओके, और ये समीकरण 2 वाला है, ओके, तो इसमें हम रखते हैं x ऊपर और नीचे y, यहाँ भी x और यहाँ भी y। ठीक है, तो x का मान समीकरण एक में अगर 3 रखा मैंने, x का मान 3, तो y का मान कितना आया, 1 आया, क्या है 1, तो हमने लिखा 1। राइट, यहाँ पे दूसरा में भी आप देख सकते हैं कि जब हमने क्या रखा कि x का मान अगर हम 6 रखे हैं, x का मान क्या रखे हैं, 6 रखे हैं, तो y का मान क्या है हमारे पास, 0 आया है, तो हम लिखेंगे 0। ठीक है, मैंने मान रख दिया। आइए अब आगे हम देखते हैं समीकरण 2 में। ठीक है, तो समीकरण 2 में देखेंगे तो अगर हम y का मान 0 रखे हैं, y का मान 0, ठीक है, तो x का मान कितना है, 6 आया है, तो हम लिख देते हैं x का मान 6। उसी तरह आप नीचे देखेंगे x का मान अगर हम 3 रखे हैं, x का मान समीकरण 2 में 3 रखे हैं, तो y का मान कितना है, माइनस का 2 आया है। ठीक है, तो हम लिख देते हैं माइनस का 2। राइट, तो ये हमारे पास आ गया सभी मान, और इसी में अब हम ग्राफिक कॉपी की उल्टेंगे और उसमें हम समझेंगे। ठीक है, तो आपको मैं दिखा देता हूँ, तो ये हमारे पास ग्राफ का कॉपी है, ओके, और मैं यहाँ पे मान है और यही मैं पुट करूँगा। तो सबसे पहले आप जो आप देख रहे हैं ग्राफ में एक चीज़ कॉमन होता है कि आप इसमें क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे, मैं पटरी ले लेता हूँ, ओके, कोई एक रेखा लाइन चूज कर लीजिए, चलो मान लेते ये मैंने बीच वाला चूज कर लिया, और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रेखा खींच लूँगा एक सीधी। हाँ, चलो यहाँ से हम खींचते हैं, मैंने तो पेन से खींचा आपको दिखाने के लिए, क्योंकि अगर पेंसिल से खींचता ना तो ये नहीं दिखता, इसलिए मैंने पेन से खींच लिया। ओके, तो आपने देखा कि मैंने यहाँ पे खींच लिया, ओके, और यहाँ पे आप देखिए मैंने ऐसे एरो का निशान बना देता हूँ, ओके, यहाँ भी मैंने एरो का निशान बना दिया। ओके, अब यहाँ बीचों बीच मैं एक रेखा खींच लूँगा, यहाँ से सीधा प्रतिच्छेद करती हुई जाएगी, है ना। तो आप लोग क्या करेंगे एग्जाम में,
किससे खींचेंगे, तो पेंसिल से खींचना, ठीक है, नहीं तो फिर वो एग्जामिनर जो है चेकर वो गलती कर देगा, नंबर काट लेगा, ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो मैंने इस तरीके से खींच लिया, और मैं बता दूँ आपको यहाँ वाई होता है और नीचे वाई एक्सिस होता है, ठीक है, जो कि माइनस वाला होगा, ओके। और इधर जो होता है ये हमारे पास, ये इधर होता है एक्स, यहाँ पे एक्स, और इधर होता है एक्स एक्सिस जो कि माइनस वाला, और यहाँ बीच में होता है शून्य जो कि एक्स अक्ष पर भी होता है और वाई अक्ष पर भी होता है। और यहाँ एक बात कॉमन है कि एक्स अक्ष को हम भुज कहते हैं और वाई अक्ष को कोटि कहते हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना कि एक्स अक्ष को भुज और वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। तो कभी भी देखना कि पहले x लिखा होगा और तब दूसरा में y, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर देते, तो पहले ये समझ लो उसके बाद मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। चलो हम यहाँ पे लिखते हैं एक, अपना हिसाब से मान लो कि इस बीच में 10 का अंतराल है, 10 का अंतराल चलना चाहिए, एक दो तीन चार पाँच छः, ध्यान रखना कि बीच की दूरी समान होनी चाहिए, एक भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, थोड़ा भी नहीं तो गलती हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, जब हल करेंगे तो। माइनस सॉरी इधर प्लस वाला होगा, ये एक होगा, ठीक है, ये दो, ये तीन, और ये चार पाँच, और ये रहा छः, ओके। अब इधर लिखेंगे, इधर जो होगा इस अक्ष सब ऋणात्मक होगा, यानी माइनस वाला, एक दो तीन चार पाँच छः, जितना लिखे अपना हिसाब से, माइनस का एक, माइनस का दो, माइनस का तीन, माइनस का चार, माइनस का पाँच, और माइनस का छः, मैंने लिख दिया, ओके। अब क्या करेंगे, ऊपर भी लिखेंगे, तो ऊपर प्लस का होगा, प्लस का एक, प्लस का दो, प्लस का तीन, प्लस का चार, लिख सकते हैं एक दो तीन और यहाँ चार, जितना ज़रूरी है उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। इधर मैं लिखता हूँ, इधर क्या होगा, माइनस का एक, ओके, माइनस का दो, और यहाँ माइनस का तीन, और ये रहा माइनस का चार, और ये रहा माइनस का पाँच, जितना चाहे उतना लिख सकते हैं। अब ये आ गया हमारे पास रेडी है, और इसमें हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो आपको बता दूँ ये मैंने मान निकाला था, देखो x का मान पहले क्या है, तीन है, तो x अक्ष ढूंढेंगे, तो x अक्ष यहाँ पे है, x का मान कहाँ है, तीन, तो यहाँ पे तीन है, यहाँ पे देख लो, तीन पे टिक करो, ठीक है, मैंने टिक किया तीन पे। और y का मान कितना, एक, तो y वाला देखो ऊपर है, ऊपर यहाँ पे एक है, तो ऐसा नहीं कि यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे, नहीं ये गलत होगा, तो यहाँ पे देखो तीन से अगर ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे इस रेखा पे यहाँ पे आएगा, और इधर से एक इधर चलेगा तो यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे जैसे पहले तीन है, यानी x का मान तीन है, y का मान एक है, यहीं पे मिल रहा है, तो तीन वाले यानी x वाला पहले लिखा जाता है, तो तीन कौमा एक लिख देंगे, ये आ जाएगा ये बिंदु तीन कौमा एक, ओके। चलो ये बिंदु हमें प्राप्त हो गया, अब उसी तरह आगे बढ़ते हैं, x का मान छः है तो y का मान जीरो, तो y का मान जीरो यहीं पे होता है, और x का मान छः कहाँ है, यहाँ पे है, तो भाई यहीं पे अगर इस तरह से चलेंगे, जीरो यहीं पे है, यहाँ से सीधे जाएंगे तो यहीं पे मिलेंगे, तो यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, तो इस बिंदु को टिक करो, तो यहाँ पर होगा पहले x वाला लिखेंगे तो छः, और कॉमा y का मान जीरो है तो जीरो लिख लेंगे, ठीक है, मैंने लिख दिया। अब क्या करेंगे, ये बिंदु और ये बिंदु आपस में मिला देंगे, तो चलो मिला देते हैं पटरी से, चलो देख लो, यहाँ पे देखो बराबर से रखना, नहीं तो थोड़ा मिस्टेक होता है ना, तो वो गलत हो जाता है, ठीक है, या फिर नंबर कट जाता है एग्ज़ाम में, तो मुझे भी आराम से देखना पड़ रहा है, तो मैं खींच लेता हूँ, ठीक है, तो इस तरीके से मैंने खींच लिया, ठीक है। चलिए आप लोग पेंसिल से ही बनाना, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे समीकरण दो में चलते हैं, x का मान छः, y का मान जीरो, लो भाई x का मान छः, y का मान जीरो है, तो y का मान जीरो यहीं पे, x का मान छः यहीं पे, तो यहाँ से लेकर के गया तो एक बिंदु यहीं पे मिला, चलो यहाँ पे एक मिल गया समीकरण दो में। फिर है x का मान तीन और y का मान माइनस का दो, तो y का मान माइनस का दो नीचे है, ये माइनस का दो और x का मान तीन है, तो x का मान तीन यहाँ पे, यहाँ से यहाँ इधर आएगा तो यहाँ पे मिलेगा माइनस के दो और तीन, यहाँ पे मिल गया, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, पहले प्लस वाला लिखेंगे x वाला, तो तीन, तीन क्योंकि प्लस x वाला है, तो x तीन और कॉमा माइनस का दो, ये बिंदु आ गया, और यहाँ से लेकर के इसको क्या करेंगे, मिला देंगे, तो चलिए हम मिला देते हैं, तो यहाँ से क्या करेंगे, ऐसे देखो बिंदु पकड़ के यहाँ से ये पकड़ लेना, ये पकड़ लेना, चलो मिला देते हैं, ओके एक मिनट, चलो खींचते हैं, मैंने खींच दिया। अब देखो ये दोनों रेखा,
ये दोनों रेखा एक दूसरे को जहां पर काटते हैं ना वही आंसर होता है। तो ये दोनों रेखा इस बिंदु पे काटता है जिस बिंदु का मान है 6.0, तो हमारे पास आंसर हो जाएंगे 6.0, ये हल हो जाएंगे। तो लिखेंगे अतः हल बराबर 6 हो जाएगा। देखिए पहले देखिए, पहला एक्स होता है, दूसरा वाई होता है। तो एक्स अक्ष को हम भुज कहते हैं, वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। तो यहाँ पे भुज का मान लिखेंगे, तो भुज क्या होता है, एक्स होता है, तो एक्स का मान यहाँ पे 6 हो जाएगा और वाई का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि पहले एक्स होता है दूसरा वाई होता है। तो आप देख सकते हैं हल हमारे पास निकल चुका है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे समीकरण लिखना चाहते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट समीकरण का था, तो फर्स्ट समीकरण लिख सकते हैं, जैसे कि एक्स प्लस के 3y बराबर में 6, ये फर्स्ट समीकरण लिख सकते हैं ऐसे। और ये रेखा था सेकेंड समीकरण का, जो था कि 2x माइनस का 3y बराबर में 12, इस तरीके से लिख सकते हैं। और ऐसा आप करेंगे तो आपको 100% नंबर मिलेगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे दोस्तों कि ये ग्राफ कैसे बनाया जाता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, दोस्तों को भी शेयर करना। धन्यवाद।